बहुत दोस्तियां, बाहर रहना, लड़कियों से बात करना, बहुत अच्छा सारी इन चीजों में, रिलेशन में रहने के बाद भी डीएम से बात करना। माँ सफदर की बीवी है जी, कहती है कि जब माँ सफदर से मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो माँ सफदर के बड़ी गर्लफ्रेंड और माँ सफदर गलत कामों में था, तो उसके ने कहा कि मैंने इनको बिल्कुल ठीक किया है। तो मेरा सवाल है छोटा सा, क्या उसने बिल्कुल ठीक किया है? हाँ जवाब दो, कमेंट में दो जवाब। नहीं है, मैं बता, तुम बिल्कुल नहीं बल्कि और खराब किया होगा। तो यार मेरा नाम है काजी शरियार और मैं ये देखें एक देहात से रहने वाला हूँ और मुझे ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप मेरे साथ हैं ना, तो मैं ऐसा ऐसा व्लॉग बनाऊंगा कि ये जो आने वाली जनरेशन है ना, इंशाल्लाह इनको ना कामयाबी का रूज पहुँचाऊँगा। अगर आप साथ दें तो मेरे लिए आसानी होगी, अगर नहीं दें तो मैं अकेला लग रहूंगा और मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है ना। ये मेरी बात सुने, ठीक है, ये मेरी बात सुने जो मैं माँ सफदर और उसकी बीवी के बारे में करने लगा हूँ। ये जैसे देख रहे हो, ये अब तो दुई हो रहा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, माँ सफदर की वाइफ, एक इंटरव्यू उनका हो रहा था किस टीवी चैनल पे, उस पे उसने कहा कि माँ सफदर मेरे से शादी से पहले बड़े गला रिलेशन में था, ये आप देख रहे। और क्या उसने कहा कि वो ना लड़कों के साथ सेटिंग चैटिंग बातचीत रहन सहन उसका आम था, और मैं जब से उसके साथ आई हूँ मैंने उनको ठीक किया, उनको अपनी तरफ लेके आई हूँ, लेकिन ये बात हकीकत में गलत है बिल्कुल। अगर इतनी अच्छी होती ना उसकी वाइफ, तो उनकी वाइफ कहती आप फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दें, आप मुझे व्लॉग में मत लाएं, आप अपनी मदर को व्लॉग में मत लाएं, आप अपने भैया को व्लॉग में लाएं, अपने पापा को लाएं और अपने आप को व्लॉग में लाएं, खुद बनाएं। यार ये बात तो गलत है ना, फैमिली व्लॉगिंग से आप ठीक है। माँ सफदर ये भी कहता है कि मैं एडुकेट कर रहा हूँ, ठीक है मानता हूँ यार मैं आप एडुकेट कर रहे हो गए, लेकिन कई लोगों का यार जहन गलत होता है यार इस वजह से। तो माँ सफदर भाई आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, फैमिली व्लॉग छोड़ दें यार, मेरी रीच तो इतनी है नहीं भाई आप तक व्लॉग पहुँचे, लेकिन यार बात मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो हमारा सारा माशरा है ना, वो जो ऊपर मेरा अल्लाह ताला है ना, उसकी तरफ आ जाए, तो आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो हर व्लॉग में तकरीबन मैं आज कोई ना कोई बात करता हूँ, तो आज भी कह रहा हूँ जो छोटी सी बात, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे साथ दुआ पर है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन। अल्लाहुम्म अज़िरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्म अज़िरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्म अज़िरनी मिनन्नार। यार ये देखो कितनी गर्मी है ना, और क्या कहते हैं, कहा जा रहा है कि ये ना जब जहन्नम की आग उबलती है ना, तो ये उसका सेक है, अल्लाह ताला माँ फरमा। ये हमारे गांव के एंडिंग मनाजिर, ये वाले जो बाबा जी हैं ना, इनको मैं तकरीबन 5-10 साल से देखते आ रहा हूँ, भैंस चुरा रहे। अब्दुल्ला एंजॉय कर रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो ना, ये ईदगाह जिधर हमने ईद फरी थी, और कोई नई बात वहाँ जाते हैं, वो देखो मेरा साया नजर आ रहा है। तो ये देखो कोई इधर ग्राउंड में ना, ये देखो इधर बोतल शोतल शराब वाली पी के फेंक गया, मजाक कर रहा हूँ, दवाई है। ला हो ला कुआ तला बिता ला ली जो दसीम, वो देखो यार अब्दुल्ला मुझे छोड़ के वो चला गया, पहले वो कहते वो देखो वो जा रहा है, पहले मुझे कहते मैं तेरे साथ वीडियो बनानी है, अब आया तो आप घर चला गया, यार ये तो बात गलत है ना। देख वो लड़के वॉलीबॉल की गेम एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, बच्चा मुझे देखते हुए कि ये कर क्या रहा है, थोड़ा मुकाबला। ठीक है यार मैं जाता हूँ घर की तरफ, मेरे जो अब्दुल्ला के अबू हैं चाचू, उन्होंने जाना है सरम पिंडी, और मुनीब भी जा रहा है यार, अक्सर व्लॉग में आपने देखा होगा, तो उसको गुड बाय कहते हैं, आप जल्दी कहीं वो चला नहीं जाए, और मैं नहाना धोना भी गया, बड़े बदबू सूंघ ना आपको पता चल। जो है कुछ भी नहीं है, कर जो जेब में निकाल है, कुछ भी निकाल नहीं है, मार दूंगा निकाल, मैं पास तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ निकाल, कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर गोली खा।
मैंने कहा था ये घर चला गया, ये घर गया था, ये खिलौने लेने दिखाओ। और मनीव लोग चला गया है यार, मैं जाता हूँ जल्दी जल्दी घर। ठीक है, मनीव लोगों को भेजना, उन्हें पिंडी जाना, मिलना है। और क्या कहते हैं यार, वो ना बात ये थी कि जो मैंने शुरू में बात की है ना, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। माँ सफदरवाल, ठीक है आप जाते हैं। ये देखो बहुत सारे ब्लॉकों में हम नाला ढूंढते हैं, देखते हैं, तो हम पहुंच आए अपने नाले के। को यार बड़ी स्पीड है इसकी, भाग जाते हैं फौरन। ये देखो कदम मैं रखता हूँ तो मिट्टी धूल उड़ती है। ये देखो ये जो डेरा है ना, इधर से फ्रेश नहीं दूध मिलता है। तो ये समस्या ये वाला, सब ईद मनाने पिंडी जा रहे हैं। शोदा अब्दुल्ला, शोदा मैं यार, मैं बाहर भी जाना है यार, जल्दी जाओ। मैं करीब बैठा भाई, ये कब जाते हैं? ये है अब्दुल्ला के सोल्जर, जो अब्दुल्ला ने बड़े शौक से रखे हुए हैं। जब एक एक कार बाहर निकालो निकालो, इधर रखते जाओ एक एक। वन टू, ये तो बड़ा खतरनाक सोल्जर है। सारे निकालो ना, फिर बाद में करना इनका। ओ भाई सौ खतरनाक सोल्जर है। ये किस पुलिस वाले देख के ना आपको पकड़ के ले जाएगा फिर। कोई भी नहीं पकड़ता है, मैंने कहा बंदूक के। ये देखो बॉम्ब भी है, खतरनाक का लेके जा रहे हो पुलिस को कर भाई। ये देखो ये फोन हो गया, इसमें धमाके भी है। मुल्क को तबाह करोगे? नहीं, दुश्मनों को तबाह करूंगा भाई साहब। ये देखो छोटी चीज है, बीन रेडियो। आप वही चीज दिखा सकते हैं वो हमारे भाई कर पाए तो आप करोगे। ये देखो ये क्या, छोटे छोटे बड़े बड़े भी हैं, देखते हैं। ये है, मुझे तो आज पता चला आप खतरनाक हो। तो ये अब जाने लगे पिंडी। ये देखो काटल लट्ठे का सूट पहन के आया है, तबाह करो भाई। ठीक है भाई साहब, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फिर मिलेंगे। बाय बाय, चल अब्दुल्ला हम चले। बाय बाय, आ जाओ यार। ये अब्दुल्ला पहुंच आया है, और यार चाचू लोग जा चुके हैं। ये देखो कोई गाड़ी खड़ी क्या नहीं ना, चाचू लोग जा चुके। आपके बाबा चलेंगे हैं पिंडी, अब मैं नहाने लगा। ठीक है नहा लूँ। ग्रिप्ट नहीं है तो इस व्लॉग को इधर से एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इस तरह मैं को नहीं पाता, अगर मुझे लगी बुरी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और इसी तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग देखने सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक अल्लाह हाफिज़।